ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कोलंबो में भारतीय मूल के तमिलों के श्रीलंका आगमन की द्विशताब्दी स्मृति समारोह में भाग लेंगी। वित्त मंत्री भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। सम्मेलन का विषय है संपर्क वृद्धि समृद्धि के लिए भागीदारी। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री जाफना और त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की दो नई शाखाओं का उद्घाटन भी करेंगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद तथा कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर छापे मारे। ये जांच धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय हवाला लेन देन के अलावा 7 करोड़ रुपए से अधिक का सीमा शुल्क बचाने की मंशा से आयात संबंधी गलत जानकारी देने के आरोप पर राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद ये जांच शुरू की गई है। एक स्थानीय अदालत ने हाल ही में इस अभियोग का संज्ञान लिया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने राजकुमार आनंद तथा अन्य के खिलाफ धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। वे चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय से नोटिस वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को सम्मन जारी किया था। उन्हें आज दिन के 11 बजे निदेशालय कार्यालय में उपस्थित होना था। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा धन लेकर संसद में प्रश्न पूछने के कथित मामले में आज लोकसभा की आचार समिति के समक्ष उपस्थित हुईं। अन्य दस्तावेजों और सबूतों के अतिरिक्त 3 केंद्रीय मंत्रियों से मिली रिपोर्ट के आधार पर संसद में महुआ मोइत्रा से पूछताछ जारी है। समिति ने इन 3 मंत्रियों से इस सिलसिले में जानकारी मांगी थी। महुआ मोइत्रा ने आरोपों का खंडन किया है, लेकिन उन्होंने व्यापारी दर्शन हीरानंदानी के साथ संसदीय लॉगिन साझा करने की बात स्वीकार की है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने संसद में सवाल पूछने के लिए व्यापारी से रिश्वत ली। इन प्रश्नों का उद्देश्य अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्षेप लगाना था। महुआ मोइत्रा पर प्रश्न के बदले रिश्वत लेने का अभियोग लगाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राई से भी पिछले महीने आचार समिति ने पूछताछ की थी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारतीय कंप्यूटर आपात कार्रवाई दल CERT इन एप्पल आईफोन में हैकिंग धमकी से संबंधित मैसेज भेजे जाने की छानबीन कर रहा है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री कृष्णन ने कहा कि इस सिलसिले में एप्पल को नोटिस भेजा गया है। आशा है कि वो छानबीन में सहयोग करेगा। CERT इन कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं की छानबीन के लिए एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। कुछ विपक्षी सांसदों ने हैकिंग धमकी के संदेश का यह मुद्दा उठाया था। पंजाब में संगरूर जिले के छाजली गांव मर्दखेरा में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। ये दुर्घटना सुनाम पटियाला मार्ग पर 2 कैंटरों के बीच एक कार के आ जाने के बाद हुई। शवों को पोस्टमार्टम के बाद सिविल अस्पताल संगरूर भेजा गया है। बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 1,20,000 से अधिक शिक्षकों को आज विभिन्न जिलों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में आज दोपहर 25,000 नव नियुक्त शिक्षकों को अस्थाई नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। अन्य जिलों में भी सरकार के कैबिनेट मंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने दक्षिण कोरिया के चांगवॉन में एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। 22 वर्षीय तोमर ने फाइनल में 463.5 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत 21 स्वर्ण 21 रजत और 13 कांस्य पदक सहित कुल 55 पदकों को लेकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।